आधी रात को शराब के नशे में चलते चलते राघव जब मनाली की सिटी सेंटर की शॉप के करीब पहुंचा तो उसे शॉप के सामने एक काला साया खड़ा हुआ नजर आया। उसने जब समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। कड़ाती ठंड के बीच सब तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। वो नशे में बड़बड़ाता हुआ बोला, साला ये गली में कौन खड़ा है? होगा कोई पागल, मेरा क्या जाता है? ये बड़बड़ाते हुए वो आगे बढ़ने लगा, मगर उसने देखा कि उसके साथ साथ वो साया भी उसकी ओर बढ़ता आ रहा था। उस साये की आंखें किसी लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। देखते ही देखते वो साया राघव की परछाई के ठीक सामने आ गया। ठीक उसी समय राघव ने देखा कि उस साये के दोनों अजीब से हाथ ऊपर उठे और बड़े ही अजीब तरीके से बढ़ते हुए राघव की परछाई तक जा पहुंचे और राघव की परछाई को दब। कुछ ही देर बाद वो जमीन पर गिरकर पूरी तरह छटपटाने लगा था। कुछ समय बाद उसका मरा हुआ जिस्म सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था। अगले दिन राघव की मौत की चर्चा पूरे मनाली की जंगल में आग की तरह फैल गई। ऋचा अपनी दोस्त मनीषा के साथ अपने घर के बाहर गार्डन में न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अब इतनी गौर से न्यूज़पेपर को क्या देख रही है? वो राघव ही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि राघव का कत्ल किसने किया होगा। वो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट था, मगर वो एक शराबी भी था। मत भूल मनीषा कि वो सबकी बेहद मदद करता था। हाँ सही कहा, अपनी गुंडागर्दी दिखाकर वो कॉलेज के कई काम निकलवा दिया करता था। मेरी समझ में नहीं आता तेरे अंदर दिल नाम की कोई चीज है भी या नहीं। कम ऑन रीचा, कॉलेज के सभी लोग उसे गुंडे के नाम से ही जानते थे, और मत भूल कि वो ड्रग्स भी लेता था। पता नहीं मनीषा, पर मेरा दिल बेहद घबरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राघव के कत्ल का कनेक्शन उससे हो? रीचा की बात सुनकर मनीषा का चेहरा दुखी हो गया। तो पागल हो गई है क्या? भला राघव के कत्ल का कनेक्शन उससे कैसे हो सकता है? ऋचा इससे आगे कुछ बोलती, मगर मनीषा ने उसे कुछ भी बोलने से रोक दिया। इसके आगे कुछ मत कहना ऋचा, हम सब ने इस बारे में बातचीत की थी कि हम इस बारे में कभी बातचीत नहीं करेंगे। तभी बाइक की हॉर्न की आवाज उन दोनों के कानों से टकराई। अब मैं चलती हूँ, राहुल आ गया है। इतना बोलकर मनीषा ऋचा के घर से बाहर निकल गई। राहुल मनीषा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला है, लगता है तुम्हारी सहेली को उस पियक्कड़ की मौत का कुछ ज्यादा ही अफसोस हो रहा है। मगर ऋचा ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उसकी बाइक पर बैठ गई, और राहुल ने बाइक को तेज रफ्तार के साथ हाईवे में दौड़ा दिया। उसकी बाइक कुछ ही किलोमीटर हाईवे पर चली थी कि अचानक आसमान में काली घटा छा गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। राहुल के पैर खुद ब खुद ब्रेक पर पड़ गए। क्या हुआ, बाइक क्यों रोक दी? मनीषा, ये मौसम अचानक कैसे बदल गया? अभी कुछ वक्त पहले तो धूप थी। लगता है बारिश होने वाली है। तभी मनीषा की नजर उससे ठीक कुछ दूरी पर एक बड़े से, एक खौफनाक बेहद डरावने दिखने वाले एक काले साए पर पड़ी, जिसकी आंखें अंधेरे में बल्ब की तरह चमक रही थी। वो काला साया मनीषा और राहुल की ओर घूरकर देख रहा था। मनीषा चीखते हुए बोली, राहुल जल्दी से बाइक स्टार्ट करो। क्या हुआ मनीषा, तुम अचानक इतने डर से चिल्ला क्यों रही हो? मनीषा ने सामने की जानिब इशारा करके कहा, वो देखो राहुल। राहुल की नजर जैसे ही सामने की जानिब पड़ी, कड़कड़ाती ठंड में राहुल के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा, मगर देखते ही देखते वो साया ठीक राहुल की परछाई के ऊपर आकर खड़ा हो गया और उसने अपने नुकीले पंजों से राहुल की परछाई को दबोच लिया। राहुल के गले से दिल दहला देने वाली चीख निकली और एक खून की उल्टी के साथ वो वहीं मरकर गिर गया। मैं समझ गई कि तुम कौन हो। इसका मतलब रीचा सही कह रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तू तो मर चुकी है। मनीषा ने सिर्फ इतना कहा ही था कि वो साया भयानक तरीके से हंसने लगा।
कुछ ही वक्त में उस साए ने मनीषा की परछाई को बुरी तरह से दबोच लिया और देखते ही देखते मनीषा ने दर्द से तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अपने दोस्तों की मौत की खबर सुनकर ऋचा बुरी तरह से घबरा गई। वो दौड़ती हुई अपने सीधे कॉलेज के प्रोफेसर बख्शी के घर पहुंच गई। ऋचा को बेहद घबराया हुआ देखकर प्रोफेसर बख्शी ने उसकी जानिब देखकर कहा, क्या हुआ ऋचा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आप तो जानते ही हैं प्रोफेसर, पहले राघव और फिर उसके बाद मेरे दोस्त मनीषा और राहुल का किसी ने बेहद बेदर्दी से उनका कत्ल कर दिया। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे इस बात का बहुत गम हुआ। मुझे आपकी मदद चाहिए वरना वो मेरा भी कत्ल कर देगी। कौन मार डालेगी तुम्हें, ये तुम क्या कह रही हो? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ प्रोफेसर, ये बात आज से एक साल पहले की है प्रोफेसर, जब दिव्या हमारे कॉलेज में नई नई आई थी। वो हमारी क्लासमेट थी, क्लास के सभी स्टूडेंट्स उससे डरते थे और फिर एक दिन किसी बात को लेकर उसकी मेरे और मेरे दोस्तों से बहस हो गई। दिव्या ने सरेआम मेरे गाल पर चाटा जड़ दिया। बदले की आग में मैंने कॉलेज के गुंडे राघव से मैंने बदले की बात कही। कुछ पैसों के लालच में राघव तैयार हो गया और उसने दिव्या को उसके घर से उठा लिया क्योंकि दिव्या का कोई नहीं था। और फिर दूसरे दिन दिव्या की लाश हाईवे पे मिली। ओह माय गॉड ऋचा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि दिव्या के साथ रेप भी हुआ था। इसका मतलब दिव्या को राघव नाम के गुंडे ने मारा था और इस काम के लिए तुमने उसे पैसे दिए थे। मेरे सारे दोस्त भी इस काम में बराबर के हिस्सेदार थे। बाद में हम सब ने राघव से कहा भी, हमने तो बस उसे डराने के लिए कहा था। उसने बताया कि जब वो दिव्या के घर में घुसा तो दिव्या अपने घर के कमरे में काला जादू कर रही थी। राघव ने हम सबको धमकी दी थी कि इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए वरना वो हम सबको भी फंसा देगा। अब मुझे समझ में आया, और तुम्हें लगता है कि राघव, राहुल और मनीषा को दिव्या की आत्मा ने मारा है? आपने सही कहा प्रोफेसर, मैंने सुना है कि आप रूह और जिन्नतों को बुला लेते हैं। मेहरबानी करके दिव्या की रूह को बुला लीजिए, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। ये तो मुमकिन नहीं है दिशा, क्योंकि दिव्या जहन्नम में तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रोफेसर बख्शी के ऐसा कहने पर दिव्या बुरी तरह से चौंक गई। उसने देखा कि प्रोफेसर बख्शी की आंखें लाल हो गई। उन्होंने गुस्से से मनीषा की ओर देखते हुए कहा, दिव्या मेरी भतीजी थी ऋचा, इस बात को कोई नहीं जानता था। मेरी भतीजी काला जादू पाने की कोशिश कर रही थी जिसके जरिए वो इंसान की परछाइयों को अपने काबू में कर सकती थी, मगर तुम सब ने उसके पास जादू आने से पहले ही उसे मार दिया। उसके जादू को फिर मैंने पूरा किया, उसे वापस बुलाया ताकि वो अपने कातिलों से बदला ले सके। इंसान मर जाता है ऋचा, लेकिन उसका साया नहीं। तुम लोगों ने तो दिव्या को मार दिया, लेकिन उसके साए को नहीं मार सके, और उसका काला साया और अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। ऋचा के सामने दिव्या का काला साया खड़ा हुआ उसे गुस्से से घूर रहा था। ऋचा के कुछ कहने से पहले दिव्या की परछाई को ऋचा की परछाई ने पकड़ लिया और उसकी परछाई को पकड़कर दबोच लिया। कुछ ही वक्त में दिव्या की एक दिल दहला देने वाली चीख प्रोफेसर बख्शी के घर में गूंज गई।